मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा भाई, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और माँ के दर्शन कराए, आरती हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब जाना पड़ेगा, मेरी शूटिंग है। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, अब से भाई कुमार जी, आप माता जी के त्योहार पर हमारी गोपाल धाम सोसाइटी में आए हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ गरबा करना ही पड़ेगा। अरे ओके, अच्छा 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 बाबा, मैं कब मना कर रहा हूँ, ठीक है गरबा करके जाएंगे। ओके ओके, गरबा करके जाते, चलिए। Thank you.
यार इन लोग ऐसे जाने नहीं देंगे, क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं कि मेरी शूटिंग है वहाँ। प्रोड्यूसर रो रहा होगा बेचारा। अरे एक आइडिया। कुछ बोल रहे? एक बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। आंख खोल के तो हम सब गरबा कर रहे हैं, लेकिन कोई नई चीज करें? आंख बंद करके हम गरबा करेंगे। बंद करके कैसे डांस करेंगे? क्या ख्याल है? आंख बंद करके गरबा करेंगे। लेकिन मैं मिठुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका एक स्टेप बताता हूँ, वो आप लोग आंख बंद करके करेंगे। देखिए ऐसे, सो वन टक टू टक, रेडी? ओके रेडी रेडी ओके। चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद। ये म्यूजिक। किससे पूछ रहे हो जेठालाल? अक्षय भाई कहाँ है? अक्षय जी, अक्षय जी इधर ही होंगे, देखो। अक्षय भाई, अक्षय सर यहीं पर तो थे। अक्षय जी खिलाड़ी, अक्षय भाई तो यहीं थे, कहाँ चले गए? वो है और जेठा प्रा उसकी गड्डी भी नहीं है, देखो। एक मिनट आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जरा देख कर आता हूँ, वो यही कहीं होंगे। एक मिनट आता हूँ। लगता है सच में चले गए। आगे पोपट वो लगता है वो शूटिंग के लिए चले गए। वैसे भी वो मैंने रिक्वेस्ट की थी इसलिए थोड़ी देर के लिए आए थे, वरना आजकल कौन सा सुपरस्टार शूटिंग छोड़ के आता है। अरे बता के जाते तो ढंग से विदाई देते भाई। अरे भाई कोई बात नहीं, अरे अक्षय कुमार यहाँ तक आए और ढोल और सेनाई वालों को साथ में लेकर आए हैं, पर माता जी की आरती की हमारे साथ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सुनिए कि दया भाभी ने बनाया है प्लान, खेले नवरात्रि ढोल और शहनाई के साथ, एन वक्त पर दोनों नहीं आए, दी अक्षय ने सौगात लाल सनेड़ो। बैठिए सुनिए गौर फरमाइए कि सब धर्मों के लोग यहाँ, हर भाषा का महान, और गोकुल धाम नहीं है, ये है छोटा हिंदुस्तान। सनेड़ो 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 सनेड़ो
पानी पूरी हम नहीं छोड़ेंगे, खाएंगे इतनी सारी, पूरा मटका खाली करेंगे। चुप, ये गोली ने पानी पूरी देखी नहीं कि इसके मुंह के पानी का नल खुला नहीं। चलो ना फ्रेंड्स, एक एक प्लेट खाते प्लीज। ओए मेरे दांत बहुत दुख रहे, मैं प्लेट चबा नहीं सकता। फ्रेंड्स मजाक नहीं, चलो ना खाते हैं। नहीं गोली अभी नहीं, अगर हम घर लेट पहुंचे तो बाबा टेंशन में आ जाएंगे। पहले घर जाते हैं फिर फ्रेश होके वापस आ जाएंगे। हाँ। चलो फ्रेंड्स चलो। लगता है टब्बू को भी पानी पूरी खाने का मन हो गया है। ये देखो, इतने सारे पैसे। इतने सारे पैसे किसके होंगे? टप्पू कवर पे कोई नाम लिखा है क्या? हाँ देखा। नहीं यार, इस पे तो कुछ नहीं लिखा। ओए मम्मी कहती है कि रास्ते में बड़ी हुई चीजों को उठाना नहीं चाहिए, इसे हम वापस वही रख देते। लेकिन अगर हम नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। राइट। और फिर अगर ये पैसे किसी गलत हाथों में चले गए तो? करेक्ट। सुनो, हमें पैसे उसे ही देने चाहिए जिसके पैसे हैं। बट अब वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा ये पैसे किसके हैं? फ्रेंड्स आई थिंक हमें यहीं आसपास में किसी को पूछना चाहिए। अगर उसने हमसे पैसे छीन लिए तो? फ्रेंड्स एक काम करो, तुम लोग यहीं पर खड़े रहो, मैं वो पानी पूरी वाले अंकल को पूछ कर आता हूँ, शायद उनको पता होगा। यहीं पर खड़े रहो। हेलो अंकल। अंकल यहाँ आसपास में कोई आदमी आया था जिसकी चीज गुम गई हो और वो यहाँ पर ढूंढने आया? नहीं। पक्का अंकल? हाँ पक्का। क्यों? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। उनको तो नहीं पता, यहाँ पर पूछता हूँ। अंकल यहाँ पर किसी का कुछ गिर गया हो और वो ढूंढते हुए यहाँ पर कोई आया था? नहीं। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, अभी हम लोग सोसाइटी में चलते हैं, फिर उधर जाके सोचेंगे कि इन पैसों का क्या करना है। हाँ 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 ये बराबर है। चलो 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 फ्रेंड्स चलो जल्दी चलो। ओहो टप्पू से ना रेस लगाई थी, कौन जीता? हाँ? नहीं नहीं कोई नहीं जीता, और दोस्ती में कभी हार जीत नहीं होती। वाह टप्पू क्या बात कही है। टप्पू एक मिनट, दो नए सीजन बैट आए, खरीदोगे? नहीं अब्दुल भाई, हम ये बैट नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। वो टप्पू हमारे पास है ना पैसे, वो कवर वाले भूल गया। नहीं है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अरे कमाल का बैट है, ऐसा घुमाया सेक्स। अरे बाजू के सोसाइटी वाले लड़के आए थे, बोला मुझे बैट दे दो, मैं बोला नहीं पहले टप्पू से ना उसके बाद सब। बोलो खरीदोगे? हाँ मैं खरीदूंगा।
लेकिन अभी नहीं, जब मेरे पास ये बैट खरीदने जितने पैसे जमा हो जाएंगे तब खरीदूंगा, ठीक है? ओके अब्दुल भाई बाय। ओके, तुम्हारे लिए संभाल के रखता हूँ। ओके अब्दुल भाई बाय बाय, चलो चलो चलो। सुनो 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 फ्रेंड, सुनो, रुको 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 फ्रेंड, हम सब घर बाद में जाते हैं, सबसे पहले क्लब हाउस चलते हैं और उधर जाके गिनते हैं कि कितने पैसे, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ओके ओके चलो। चल डब्बू जल्दी पैसे निकाल और गिन कितने। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ लोग कहते हैं पैसे हाथों का मैल होता है और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा परमेश्वर होता है, समझ में नहीं आता आखिर में पैसा है क्या। ओए गोली, इसमें हमें क्या टेंशन लेना। ओए टप्पू पैसे इतने दे, मैं गिनता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम सब मिलकर गिनेंगे। मेरे पास 1000 की 10 नोट है, यानी 10,000 रुपए। मेरे पास 500 की 18 नोट है, यानी 9,000। और मेरे पास 100 के 50 नोट है, मतलब 5,000 रुपए। मेरे पास 50 की 20 नोट है, तो बोलो कितना हुआ। 1000। हाँ वही तो, 10 9 5 1 यानी कि 25,000 रुपए। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे किसके होंगे। इतने सारे पैसे में तो मैं पूरा साल पानी पूरी और वड़ा पाव खा सकता हूँ। गोली, ओए गोली, मैं तो ट्रक खरीद सकता हूँ। ट्रक 25,000 में? ट्रक, अरे रिमोट से चलने वाला। फ्रेंड्स ये पैसे हमारे नहीं हैं, इसे खर्चने का सोचना भी मत। करेक्ट सुन फ्रेंड्स, ये पैसे जिसके भी है हमें उसे लौटाने होंगे। हाँ लेकिन जिसके पैसे है वो नहीं मिला तो। मित्रों, गोकुल धाम सोसाइटी में हर त्योहार बड़े ही अनोखे ढंग से और धूमधाम से मनाया जाता है, आप जानते हैं इस बात को। और इस बार तो नवरात्रि में अक्षय कुमार, सुपरस्टार अक्षय कुमार ने आके धमाल कर दिया साहब। लेकिन नवरात्रि समाप्त भले ही हो गई हो, लेकिन धमाल अभी खत्म नहीं हुआ। गोकुल धाम में टपू सेना को रास्ते में रुपयों से भरा लिफाफा मिला है। रुपया, पैसा जिंदगी में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है साहब, लेकिन कई लोग इस रुपये के पीछे आंखें मूंद के भागते हैं। सारे लोग नहीं, कई लोग इस रुपये को पूछते हैं। जिंदगी में पैसे कमाना बड़ा जरूरी है, लेकिन अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी को ताक पे रख के नहीं, उसे दाव पे लगा के नहीं। लेकिन क्या करे साहब, रुपया चीज ही ऐसी है। लेकिन टप्पू सेना जरूर शरारत करती है, लेकिन गलत काम कभी नहीं करती। टप्पू सेना का अभी ये मुद्दा है कि वो इस रुपए को उसके मालिक तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से आप जानते हैं। यहां जो भी रास्ते वो चुनेंगे, हर रास्ते पे हर मोड़ पे आपके लिए ठाके होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.